हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बॉर्डर वाली साड़ी आपको कैसे पहननी चाहिए। ये देखिए, ज़्यादातर क्या होता है बॉर्डर वाली साड़ी पहनने में, अक्सर लेडीज़ को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि वो पल्लू नहीं बना पाती हैं आसानी से और प्लेट्स नहीं बना पाती हैं। तो आज मैं आपके साथ पूरी वीडियो शेयर करूंगी बॉर्डर वाली साड़ी में पल्लू कैसे बनाना चाहिए एंड प्लेट्स कैसे बनानी चाहिए। तो देखिए, आप पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, बीच में स्किप नहीं करिएगा। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए मेरी पूरी साड़ी कितने अच्छे से पहनी गई है, आप देख सकते हैं। ये मैंने पूरी साड़ी पहन ली है। देखिए, अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले इस वाले पल्लू को आप ऐसे टक कीजिए। ये देखिए, ये तो सबको पता ही होगा। वैसे आप इस वाले पल्लू को ऐसे टक कीजिए एंड फिर ये पीछे से घूमकर ये ऐसे यहाँ पर ये वाला पल्लू यहाँ पर ऐसे सेट कर लीजिए, ऐसे यहाँ पर सेट कर लीजिए ये वाला पल्लू अपना। और फिर हम यहाँ पर पहले प्लेट्स नहीं बनाएंगे। अगर हम पहले प्लेट्स बनाते हैं तो वही हमारी दिक्कत हो जाती है। देखिए, सबसे पहले हम ऐसे करेंगे, ये यहाँ पर टक करेंगे जितने भी प्लेट्स बनानी है, और ये बॉर्डर वाला हिस्सा यहाँ पर हम अपने पल्लू के लिए ऐसे यहाँ पर अपने ऐसे हाथ पर डाल लेंगे। देखिए, जितना आपको पल्लू बनाना है, देखिए, और फिर यहाँ पर हम अपनी प्लेट्स बनाएंगे। देखिए, आप ऐसे फिर अपनी प्लेट्स बनाइए ऐसे करके, और यहाँ पर जितना भी आपका कपड़ा बचा हो सबकी अपनी प्लेट्स बना लीजिए। देखिए, आप यहाँ पर ऐसे ऐसे सारे पल्लू की प्लेट्स बना लीजिए। जो ये मतलब एक्स्ट्रा यहाँ पर कपड़ा था, हमने निकाला था, ऐसे पूरी प्लेट्स बना लीजिए ऐसे, और ऐसे पूरी प्लेट्स अपनी सेट कर लीजिए पहले। क्योंकि क्या होता है ना, प्लेट्स अलग अलग होती हैं, कोई ऊपर कोई नीचे, कोई इधर कोई उधर, जब हम बनाते हैं ऐसे बनती हैं तो फिर बाद में हमें इन्हें सेट करनी होती है ऐसे ही। देखिए, ऐसे सेट करके पूरी ऐसे सेट कर लीजिए, जिससे हमारी प्लेट्स देखने में भी सुंदर लगेंगी और हमारी साड़ी का लुक भी अच्छा आएगा। ये देखिए, हमने पूरी प्लेट्स अपनी बना ली हैं। अब आई है हमारे पल्लू की बारी, देख सकते हैं आप। देखिए, ये देखिए, अब मैं अपना पल्लू सेट करूँगी कितने अच्छे तरीके से। ये देखिए, ऐसे हम अपने पल्लू की भी प्लेट्स बनाएंगे ऐसे करके, आप देख सकते हैं ऐसे करके। जितना हमारा बॉर्डर है ना, बॉर्डर वाली साड़ी में हमारा क्या होता है, जितना हमारा बॉर्डर होता है हमें उतनी ही प्लेट्स लेनी होती है, तभी हमारी साड़ी अच्छी लगती है। देखिए, मैंने उतनी ही प्लेट्स ली है जितना मेरा बॉर्डर था। देखिए, ये देखिए, ऐसे करके आप पूरी प्लेट्स अपनी सेट कर लीजिए। एक एक प्लेट्स पकड़िए एंड पूरा पल्लू अपना सेट कर लीजिए। ये बहुत जल्दी और बहुत आसानी से हो जाएगा, आप देख सकते हैं ऐसे करके। और देखिए, जहाँ पर जितना बॉर्डर था ना, बस उतनी ही प्लेट सेट करनी है। देखिए देखिए, मैंने उतनी ही प्लेट सेट करी है, आप देख सकते हैं। देखिए, यहाँ से मैंने अपनी पूरी एक एक प्लेट पकड़ के रखी है ऐसे करके, और यहाँ पर अपना पल्लू सेट कर लिया है। देखिए, यहाँ पर अपना बॉर्डर सही कीजिए पीछे से, क्योंकि क्या होता है ना, पीछे से अगर ये ढीला रहता है तो फिर अच्छा नहीं लगता देखने में पल्लू आपका। देखिए, आप यहाँ पर ऐसे पिन से टक कर लीजिए। देखिए, कितनी सुंदर साड़ी पहनी जाएगी आपकी, देखने में भी अच्छी लगेगी और आपका बॉर्डर इधर उधर ढीला भी नहीं रहेगा, कहीं से निकलेगा भी नहीं ढीला। ऐसे ढीला ढाला बॉर्डर कहीं से होता है या पल्लू ढीला होता है तो ऐसे अच्छा भी नहीं लगता फिर साड़ी, और साड़ी की देखने में भी अच्छी नहीं लगती और पल्लू भी अच्छा नहीं लगता, आप देख सकते हैं। ये देखिए, पूरी साड़ी मैंने पहन ली है। देखिए, पूरा कितना अच्छा लुक आया है मेरी साड़ी का। देखिए, कहीं से भी बॉर्डर भी मुड़ा हुआ नहीं है, बॉर्डर भी पूरा सेट है। देखिए, और कहीं से भी बॉर्डर ढीला नहीं है। अब यहाँ पर नीचे की जो हमारे ये प्लेट्स बनाई थी हमने, जिन्हें घूम बोलते हैं नीचे के, इनमें भी एक हम पिन टक कर लेंगे, जिससे हमारे बॉर्डर ये क्या बोलते हैं घूम खुलेंगे नहीं और एक जगह सेट रहेंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, फंक्शन में जाते हैं हम कहीं
या फिर अपने घर में ही बहुत टाइम के लिए साड़ी पहननी पड़ती है, ऐसे करके यहाँ पर भी एक पिन टक कर लीजिए। ये देखिए ऐसे करके यहाँ पर एक पिन टक कर लीजिए आप भी, ऐसे हो गया। आप देखिए कितनी सुंदर साड़ी पहनी हुई है मेरी, पहनी गई है, देखिए आप देख सकते हैं कितनी सुंदर साड़ी पहन गई है मेरी। ये देखिए, ये देखिए ऊपर से नीचे तक, ये देखो प्लेट्स भी एक एक बिल्कुल बॉर्डर के साथ बनी है। देखो ये देखो फ्रेंड्स, आप ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी मेरी वीडियो। थैंक्स, बाय बाय।